आज की इस वीडियो में हम आपसे नेक्स्ट वीक होने वाली एक्सपायरी के बारे में बात करेंगे, जो कि डेरिवेटिव की मंथली एक्सपायरी है। उसके साथ इंडेक्स के सेटअप्स, टेक्निकल सेटअप्स को देखेंगे, जिसमें कि निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से दिख रहे हैं। इंडेक्स के ऑप्शन सेटअप्स को भी देखेंगे और उससे एक आकलन करने की कोशिश करेंगे कि क्या निफ्टी के गोइंग फॉरवर्ड किस तरह से मूवमेंट हो सकते हैं, और विक्स को भी देखेंगे कि क्या विक्स इंडिकेट कर रहा है कि रिस्क अवर्जन मार्केट का किधर की तरफ है। और उसके साथ 5 स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पर कि टेक्निकल सेटअप्स कुछ इंडिकेट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इन 5 स्टॉक्स में कुछ हलचल हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम इंडेक्स के बारे में बात करते हैं कि इंडेक्स किस तरह से दिख रहा है। तो इंडेक्स में, इंडेक्स की पोजीशंस को देखें अगर, तो इंडेक्स में 14,980 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन देन की अगर आप देखें कि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे को ये लेवल वॉयलेट हो गया था इंट्राडे बेसिस पे, और वहां से तकरीबन जो है 80-90 पॉइंट की गिरावट आई थी। उसके बाद मार्केट, लेकिन टुवर्ड्स द क्लोज अगर जाएंगे वहां देखेंगे तो मार्केट जाके उन लेवल्स के ऊपर बंद होता है। अब टेक्निकल जो के साथ साथ हम ऑप्शंस के सेटअप्स को भी देख लें, तो ऑप्शंस में भी ऐसे इंडिकेशंस हैं कि अगर मार्केट जो है 15,000 के नीचे बराबर रहता है तो हमको यहां से एक अच्छी गिरावट दिख सकती है। टेक्निकल्स पे क्या बता रहे हैं कि अगर 14,980 का लेवल टूटता है तो नेक्स्ट लेवल जो है 14,750, मतलब तकरीबन जो है 250 पॉइंट की गिरावट मार्केट में हो सकती है। बैंक निफ्टी की वही बात करें तो बैंक निफ्टी में जो इम्पोर्टेंट लेवल जो कि 35,800 के करीब अभी लेवल है, वहां से 400 पॉइंट नीचे के करीब 35,400 पर टेक्निकल इम्पोर्टेंट लेवल है, और उस इम्पोर्टेंट लेवल का इंडिकेशन आपको कॉन्फ्लुएंस एक और जगह से, जो कि ऑप्शन सेटअप्स की बात कर लें तो 36,000 पे जिस तरह से कॉल पुट ऑप्शन पैक्ड हैं, उसके लिहाज से लग रहा है कि 35,400 भी इंपॉर्टेंट होगा। तो वहां पर दो कॉन्फ्लुएंस हैं, एक तो टेक्निकल, दूसरा ऑप्शन भी सपोर्ट करता है। तो 35,400 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी के लिए होगा फॉर द कमिंग वीक, जो कि 400 पॉइंट ही केवल नीचे है। अगर यहां से मार्केट बढ़ता है तो क्या रेजिस्टेंस हो सकते हैं, तो उसमें जैसा कि हमने प्रीवियस वीक में भी कहा था कि जो रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा वो 15,200 निफ्टी पे काम करेगा, और 36,400 से लेके 600 के बीच में बैंक निफ्टी पे आ सकता है, क्योंकि वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है, इसलिए लेवल्स जो है काफी ऊपर नीचे आपको मिलेंगे। अब अगर निफ्टी में मूवमेंट रह सकते हैं तो इसका एक बहुत ज्यादा मूवमेंट होगा कि नहीं होगा, आपको तुरंत देखना चाहिए कि विक्स किस तरह से इंडिकेट कर रहा है। जैसा कि लास्ट वीक भी हमने बताया था, लास्ट वीडियो में, वीकली एनालिसिस में, कि अगर निफ्टी में जो विक्स है, जो कि एक तरह से मार्केट जो परसीव करता है रिस्क क्या हो सकता है, विक्स उसका एक मिरर है और उसका एक इंडेक्स है, तो विक्स में क्या पोजीशन थी कि 26-27 के ऊपर अगर चलेगा तो इसमें एक बड़ा स्पाइक अगर आता है तो मार्केट में एक बड़ा करेक्शन भी आ सकता है, लेकिन हमने ऐसा कुछ देखा नहीं और अभी भी विक्स 22 के करीब ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब मार्केट में शायद अभी लोग जो परसीव जो ट्रेडर हैं ऑप्शंस मार्केट में, वो बहुत ज्यादा रिस्क गोइंग फॉरवर्ड नहीं देख रहे हैं। अब इसके साथ हम देखेंगे कि 5 वो कौन से स्टॉक होंगे जहां पर कि कुछ मुनाफा कमाया जा सकता है, अपॉर्चुनिटी हो सकती है क्या, तो 5 उन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हम देख लें एक बार कि FII की जो पोजीशन रही है, जैसा कि हमने लास्ट वीक बात किया था कि FII की पोजीशंस डेरिवेटिव पे या कह लें इंडेक्स डेरिवेटिव पे कैसी रही है, तो एक म्यूटेड काइंड ऑफ एक्टिविटी दिखेगी, क्योंकि अगर फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स में, तो जो 36,000 के करीब का 36,000 लॉट इंडेक्स पे लॉन्ग थे फ्यूचर पे, वो थोड़ा घट के 28,000 लॉट इस शुक्रवार तक की पोजीशंस रही हैं। केवल और केवल थोड़ा रिस्क दिखा है वो पुट साइड, क्योंकि पुट में उन्होंने लॉन्ग किया है। पुट की पोजीशन देखें तो सोमवार की जो पोजीशन थी 81,000 लॉट की थी, वो शुक्रवार आते आते 1,26,000 लॉट बढ़ गई, मतलब पुट में थोड़ा सा रिस्क लग रहा था FII को, इसलिए उन्होंने पुट लॉन्ग किया, उन्होंने बहुत और लॉन्ग पोजीशन थोड़ी ट्रिम की, पुट को बाय किया। कॉल की बात कर लें तो कॉल में भी पोजीशन उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन ट्रिम की है, तो हो सकता है कि अगर मार्केट ऊपर बढ़े तो लॉन्ग साइड मिस हो, इसलिए उन्होंने लॉन्ग के लिए कॉल भी खरीद लिया, और कॉल जो है, जो सोमवार की पोजीशन थी 64,000 कॉल, वो बढ़कर अभी 78,000 लॉट कॉल उन्होंने लॉन्ग किया है। तो यहां से भी बहुत ज्यादा पोजीशन ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा बेट कर रहे हो FII, ये ही इंडिकेट कर रहा है कि बहुत गार्डेड करके पोजीशंस अपनी चल रहे हैं, और गार्ड करने
के लिहाज से उन्होंने थोड़ी पोजीशन अपनी ट्रिम की है फ्यूचर में, जो कि ज्यादा रिस्क होता है, और पुट साइड में थोड़ी पोजीशन ले ली है, और जहां पर ट्रिम की थी पोजीशन उसी को लेकर उन्होंने अपनी कॉल पोजीशन बढ़ा ली है। तो मोटा मोटी पोजीशन को उन्होंने हेज करने की कोशिश की है, और बहुत ज्यादा मूवमेंट शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं इनकी पोजीशन को देख के लग रहा है। अब चलिए हम उन पांच स्टॉक के बारे में बात करें कि तो वो कौन से पांच स्टॉक होंगे जहां पर कि मार्केट मूवमेंट के कारण कुछ मूवमेंट हो सकता है या उनसे ज्यादा मूवमेंट हो सकता है। तो पहला स्टॉक होगा एचडीएफसी बैंक का। अब एचडीएफसी बैंक हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अपने नेटवर्क में ये बताया था, आपको दिखेगा कि ये 1564 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट था, और ठीक कल का जो अगर हाई अगर आप देखेंगे तो 1564 स्पॉट लेवल पे हाई है, और वहां से फिर इसमें एक रिएक्शन देखने को मिला नीचे की तरफ। 1539 के करीब की क्लोजिंग है इसमें, और ये क्यों ऐसा था, क्योंकि इसमें एक डबल टॉप फॉर्मेशन बना हुआ है। डबल टॉप फॉर्मेशन टेक्निकली जो है पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट होता है रिवर्सल के लिए। ऑल दो ये पोजिशन जो बनी है इसमें थोड़ी शॉर्ट है, छोटी है, इसका मतलब इसके रिपरकशन या इम्प्लीकेशन भी छोटे होंगे। 70-80 रुपए के करीब की गिरावट हो सकती है 1564 के नीचे। अगर 1564 के नीचे रहेगा एचडीएफसी बैंक, चूंकि इसके वेटेज काफी ज्यादा है निफ्टी या बैंक निफ्टी में कह लें, तो उस पर भी एक प्रेशर हो सकता है। तो 1564 का लेवल ध्यान रखें, और इसके बराबर अगर नीचे रहता है तो 1564 से आपको 70-75 रुपए नीचे तक ये स्टॉक मिल सकता है। अब दूसरे स्टॉक के बारे में हम बात करें कि जहां पर कि बजाज फाइनेंस, ये भी एक अच्छा स्टॉक है और इसमें काफी मूवमेंट रहता है। तो इस स्टॉक में अगर आप देखें तो 5370 के पास की एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, और जैसा कि लग रहा है पूरे सेटअप को देख के कि मार्केट हो सकता है थोड़ा करेक्ट करे, और निचले स्तरों पे जहां भी सपोर्ट आएगा सपोर्ट लेगा। तो सपोर्ट के लिहाज से देखना चाहिए आपको कि मार्केट अगर रिवर्स होता है तो रिवर्सल में अगर आप प्ले करना है तो बजाज फाइनेंस को प्ले करना चाहिए दिस वीक, क्योंकि बजाज फाइनेंस में 5370 पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। 5497 का लेवल चल रहा है अभी, और यहां से तकरीबन जो है 100 रुपए के आसपास नीचे के लेवल आपको मिलेंगे, और वहां से अगर रिवर्स होता है तो इसमें एक रिवर्सल डेफिनेटली प्ले करना चाहिए। और अब तीसरा जो स्टॉक है वो हम देखेंगे एलएनटी है। एलएनटी एक दायरे में ट्रेड हो रहा था, और उस दायरे का जो बेस है अगर आप कहें कि वो जो दायरा था 1500 के आसपास का, 1505 कह लें, 1505 के पास एक कंसोलिडेशन बेस है, और उस कंसोलिडेशन बेस के नीचे अगर स्लिप होता है ये स्टॉक टू वॉच होगा, क्योंकि इस स्टॉक ने अभी भी उस लेवल को वायलेट नहीं किया है 1508 के करीब के, इसमें करंट मार्केट प्राइस जो का लास्ट क्लोजिंग आई है। तो 1505 के नीचे अगर ये चलता है तो इसमें आप एक डाउन साइड प्ले कर सकते हैं, अदरवाइज अगर मार्केट ने सपोर्ट ले लिया और ये 1505 ये स्टॉक नहीं तोड़ा तो चूंकि ये साइडवेज है, तो साइडवेज में कभी भी जब सपोर्ट पे आती है चीजें तो आपको वहां पे लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। मार्केट भी अपने अहम लेवल, जैसा हमने बताया कि अगर उन लेवल को नहीं तोड़ता है तो ये स्टॉक मेक इट और ब्रेक इट लेवल पे है, इसलिए इस स्टॉक में आप रिवर्स प्ले भी कर सकते हैं कि अगर मार्केट नहीं तोड़ता है अपने अहम पोजिशन को तो इस स्टॉक में एक रिबाउंड हो सकता है। अब हम दो उन स्टॉक के बारे में बात करेंगे जहां पर कि एक अच्छी पोजीशंस के बाद हमने ब्रेकआउट देखा है, और ब्रेकआउट मतलब उसमें क्यों ब्रेकआउट हुआ और कैसी पोजीशंस रही हैं। तो सबसे पहली बात करेंगे हम बीपीसीएल की, और बीपीसीएल में चूंकि विनिवेश का कैंडिडेट है, ये डिसइन्वेस्टमेंट के लिए है, प्राइवेटाइज करने जा रही है सरकार इस कंपनी को, और ये न्यूज काफी दिनों से मार्केट में है, और इस बार के बजट में भी सरकार ने बताया कि बीपीसीएल को विनिवेश करेगी सरकार फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। वो एक न्यूज तो है ही, साथ साथ जिस क्षेत्र में है कंपनी उस क्षेत्र में ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चीज अंडरलाइंग क्रूड का प्राइस होता है, और क्रूड के प्राइस में दो दिनों से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में गिरावट देखी जा रही है। $2 तो घट गया है ऊपर के लेवल से, $62 से $59 क्रूड पर बैरल का हो गया है। अब क्यों घट गया क्रूड में, इसमें एक इम्पॉर्टेंट न्यूज थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज थी, क्योंकि जो यूएस में गवर्नमेंट चेंज हुई है, बाइडेन की गवर्नमेंट आई है, तो वो एक बार से फिर से ऐसा न्यूज आया कि वो ईरान के साथ रीनेगोशिएट करना चाहते हैं, और सारी पोजीशन मतलब उनका जो न्यूक्लियर डील का प्रपोजल है उस पर कुछ नेगोशिएशन चलेगा। तो यूएस ने इनको सैंक्शन कर रखा है ईरान को पहले से, तो पहला जो शर्त है कि शायद अगर न्यूक्लियर डील पर ये प्रोग्रेस करेंगे उसके पहले उनको सैंक्शन उठाएंगे वो।
अब सैंक्शन उठाने का मतलब है कि ऑयल सप्लाई मार्केट में ज्यादा हो सकती है, ईरान के भी तेल आएंगे बाजार में, तो तेलों के दाम में सॉफ्टनेस आएगी, और तेलों के दाम में अगर सॉफ्टनेस आती है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए अच्छा होता है। अब देखें कि 421 के आसपास इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है अलॉन्ग विद वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो इस स्टॉक को देखना जरूरी होगा कि 421 का लेवल नहीं तोड़े तो इस स्टॉक में एक अच्छी तेजी हम गोइंग फॉरवर्ड देख सकते हैं। उसी तरह हम अगर बात करें कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम की, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम 244 रुपए के भाव चल रहे हैं, वहां पर भी हमको एक अच्छा फॉर्मेशन ब्रेकआउट है। अगर पोजिशनल की बात करें तो वहां पर 60-70 रुपए की तेजी दिख रही है कि शॉर्ट टर्म में भी हो सके इस स्टॉक में। 241 के आसपास की ब्रेकआउट है इस जो है स्टॉक में, और एक अच्छा ब्रेकआउट, एक अच्छा फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, उस फॉर्मेशन के बाद एक बुलिश कोनोटेशन पे होते हुए, और ये न्यूज भी उस चीज को सपोर्ट करती हुई है, तो लेवल का ध्यान रखें कि 241 रुपए का लेवल है और नीचे ठीक इसके 238-38 के पास का लेवल है। ये इस लेवल पे अगर मिलता है तो काफी ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड फेवर करेगा। अदरवाइज भी ये स्टॉक में अगर जो है 37 का लेवल नहीं तोड़ता, 237 का लेवल, तो इस स्टॉक में 60-70 रुपए की तेजी हो सकती है। तो ये दोनों स्टॉक्स आपके जो है रडार में रहने चाहिए, और इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिले तो आप डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड इस मार्केट में। तो आज हमने जो भी बात की है टेक्निकल सेटअप्स के ऊपर बात की है, और किस तरह से न्यूज इन चीज को इन्फ्लुएंस कर सकती है, इन सारे चीजों की बात की है आपसे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले दिनों में इस तरह के वीडियो आपको मिल सकें और जानकारी मिल सके, टेक्निकल भी, फंडामेंटल भी, और न्यूज की भी एनालिसिस भी हम करते हैं, और इन सारी चीजों की जानकारी आप तक पहुंच सकें, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।